कबीर साहब गुरु को छोड़ने पर तैयार नहीं, इसलिए कहते हैं कष्ट दल चक्कर सुध योगी आप में बुझ, गुरुद्वार को ही पक्का रहे। इसलिए भक्त लोग भी आठ कहते हैं, उनका जो है अनाहत और हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र के बीच में मानस दल होता है, मन का ठहरा, हृदय चक्र और विशुद्ध चक्र के बीच में मानस दल। इस तरह चक्र तो अब गिनाएंगे तो छोटे छोटे आकर के बहुत हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 20 भी हो जाएगा। इसलिए हृदय भक्त लोग उस मानस चक्र को गिनते हैं, तो भक्त को भी यदि गिने तब 8 चक्र हुआ और संत को भी गिने तो 8 चक्र हुआ। लेकिन कबीर साहब संत हैं इसलिए कहते हैं अष्टदल कम्बल, गुरुद्वार को भी गिनते हैं। नानक ने भी गुरुद्वार कहा है, अब तुम लोग गुरुद्वार से गुरुद्वारा कर दिया, अलग बात। इसलिए संत लोग जो कहते हैं अष्टदल चक्कर सोधे जोगी आप में बोझ है, कहते हैं वह परम पुरुष तुम्हारे सामने खड़ा है, अपने आप में बूझ जाएगा, अद्वैत को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ईसा मसीह अद्वैतवादी नहीं हुए, अद्वैत को नहीं प्राप्त हुए। ईसा मसीह कहते हैं मैं परमात्मा का पुत्र हूं, ईश्वर का पुत्र हूं, द्वैत हुआ ना। इसलिए कि यहूदी में धर्म में ओल्ड टेस्टामेंट में द्वैत पर बात किया गया है, और यहूदी से ही ईसा आए और इस्लाम आया है, मोहम्मद भाई आए उनसे 600 वर्ष बाद, मैंने 1400 वर्ष हुआ। मोहम्मद साहब भी कहे हैं मैं पैगंबर हूं, मैं परमात्मा का पैगंबर, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, मैं परमात्मा का संदेश वाहक हूं, द्वैत हो गए ना। भाव समाधि जिसको कहते हो, भाव समाधि, रामकृष्ण परमहंस भी भाव समाधि में रह जाते थे, तब उनके गुरु तोतापुरी जी जाकर के उनके भाव समाधि से तोड़े, कहे कि भाव समाधि में क्या लगा है, ऊपर उठ, और उनको अद्वैत में ले गए। विवेकानंद ने कहा है मोहम्मद साहब पर कि ये किसी गुरु के सानिध्य में रह करके कठोर परीक्षण को प्राप्त नहीं किए, इसलिए अच्छे प्रशिक्षक की तरह बात नहीं करते हैं, गुरु की तरह बात नहीं करते हैं, ऊपर नीचे की बात करते हैं और द्वैत की बात करते हैं। भारत का दर्शन अद्वैत का बात करता है। कबीर साहब भी अद्वैत की बात करते हैं, यहां पर शंकराचार्य भी अद्वैत का बात किए हैं, एक को ब्रह्मदत्तो नास्ति, अहम ब्रह्मास मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कौन कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं था तो नहीं था किरमतिया, अब कौन किरमतिया, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स खत्म, मैं ही हूं। नानक भी कहते हैं एक ओंकार, बस वही तो है और कोई दूसरा नहीं है, पूरी सृष्टि में ओंकार में। नानक भी अद्वैत की बात करते हैं, बुद्ध भी अद्वैत की बात करते हैं, एक शून्य परम शून्य, शून्य की बात करते हैं। भारत में भी जो दर्शन जमा है अद्वैत की बात करता है, और इसीलिए भारत के लोग एक ऐसे अच्छे गुरु के द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं, और जब तक से अद्वैत को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक से इनका आवागमन लगा रहता है, और तब तक से पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। आंख के बदले आंख लेता है, हाथ के बदले हाथ लेता है, लेकिन ईसा मसीह भारत में आए और बुद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब इन्होंने कहा लव इज गॉड, परमात्मा प्यार है, कोई एक गाल पर मारे दूसरा भी गाल देते, और यही यहूदी धर्म के खिलाफ कहा, इसलिए इन पर फतवा जारी किया गया, यह यहूदी धर्म के खिलाफ कह रहा है, परमात्मा प्रेम नहीं है, तुम्हारा खाला नहीं है, अंकल नहीं है, यहूदी धर्म के खिलाफ ही नहीं फांसी दी गई, इसलिए तुम कौन होते हो समाप्त करने वाले, सब घट में वही साईं है, सबसे प्रेम करो, प्रेम का संदेश देता है। यहूदी प्रेम का संदेश नहीं कहता है, यहूदी धर्म से ये लोग दोनों निकले हैं। यहूदी कहता है कि गॉड इज नॉट योर अंकल, गॉड इज अर्थ का क्वेक, परमात्मा तुम्हारा चाचा नहीं है कि तुमसे प्रेम करेगा, परमात्मा तो भूकंप है, आंख के बदले आंख लेता है, हाथ के बदले हाथ लेता है। लेकिन ईसा मसीह
भारत में आए और बुद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किए, तब इन्होंने कहा लव इज गॉड, परमात्मा प्यार है, कोई एक गाल पर मारे दूसरा भी गाल देते, और यही यहूदी धर्म के खिलाफ कहा इन्होंने। इसलिए इन पर फतवा जारी किया गया, यह यहूदी धर्म के खिलाफ कह रहा है, परमात्मा प्रेम नहीं है, तुम्हारा खाला नहीं है, अंकल नहीं है, यहूदी धर्म के खिलाफ ही नहीं फांसी दी गई। इसलिए यह प्रेम की बात अद्वैतवादी जानेगा और वह सब में परमात्मा को देखता है, घट घट में साईं को देखता है, तो प्रेम वह करेगा सबको, किसको दुख देगा। वह तो कहता है सब परमात्मा के ही बंदे हैं। सुने एक याकूब फकीर जा, फकीर लोग कुछ इस्लाम में हुए हैं, वो गया एक सुनार से कहा कि मेरा जरा अंगूठी बना दो, अल्लाह का अंगूठी बना दो। कहा कि अल्लाह का नाप लेकर आया, बना देंगे। लेकर लो अल्लाह का अंगूठी नाप ये। कहा कि तुम्हारे यहाँ उंगली अल्लाह का उंगली है? तो हाँ। बड़ा हल्ला हुआ और वहां के पादरी, पादरी कहते हैं मौलाना, लोगों ने मृत्यु दंड कहा कि तुम इसे आप माफी मांग लो। कहा कि माफी किस बात की? तब उसको ले गए लोग कि नहीं इसे फांसी दी जाएगी, फतवा जारी किया गया, परमात्मा का नहीं सिख कर रहा, अपनी उंगली को परमात्मा का, गॉड का, अल्लाह का कह रहा। वह हंसते हुए गया मस्जिद में, जब पहुंचा तो देखे कि बहुत हजारों लोग खड़े थे उसको फांसी देखने के लिए। मौलाना से पूछा कि ये कौन खड़े हैं लोग, जरा हमको दिखाओ बताओ तो, परिचय कराओ। कहा कि ये अल्लाह के बंदे हैं। कहा अल्लाह के बंदे हैं? मैं कौन हूं? तुम भी अल्लाह के बंदे हैं, यह क्या है? तब मौलाना छोड़ दिया उसे, जब मैं भी अल्लाह का बंदा हूं तो यह क्या है, अल्लाह का है उंगली है। तो देखो यह फकीर जो होते थे इस्लाम में, लेकिन इस्लाम के लोग फकीर को बर्दाश्त नहीं करते थे, उन्हें चूंकि भारत की चस्का लग जाती थी, अद्वैत की चस्का, अद्वैत भारत का यह देन, अब दूसरा नहीं, सब बुद्धि के बंदे, उसी के बंदे भी नहीं, सब में वही है। कहा ऋग्वेद कहता सर्वम जयतति ब्रह्म, ऋग्वेद तो यह कहता सब में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है, यह सृष्टि जगत ब्रह्म है, एको अहम बहुश्याम, वह ब्रह्म एक ही है, बहुत रूप में प्रकट हो जाता है, और जब घटने लगता है तो वही एक जो है, वही बहुत जो है एक में प्रवेश कर जाता है। यह भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। कबीर साहब से पूछा गया कि वह अल्लाह परमात्मा एक है या दो का है, इन्होंने कहा कि एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो हगार, जैसा है वैसा कहे कबीर विचार। यदि परमात्मा को हम एक कहो कि एक ही है, यह परमात्मा को वो है नहीं। यदि द्वैत में बांध देते हैं, जैसे द्वैत माना लोग, तो द्वैत में उसको गाली देना है। इसलिए परमात्मा को हम लोग गिनती में नहीं कर सकते, एक में है, एक दो में है, एक तीन में है, एक चार में, वह समग्र रूप में वही है, और जैसा भी वह है सब रूपों में, वह तुम्हारा विचारणीय है, सब रूपों में वही बोल रहा है। कहते हैं हे रथ, हे रथ, हे सखी, रहा कबीर हे राय, बूंद समानी समुद्र में अब कतहेरी जाए। कबीर भी हेरने के लिए गया, जानने के लिए कहां है, लेकिन उसी में भुला गया। कैसे भूल गया? जैसे तू एक बूंद लिया है और सागर में डाल दो, फिर कहो कि नहीं वह बूंद निकल आओ, निकल आएगा। जलमा ही कुंभ है, कुंभ में ही जल, कुंभ फूटा जल में, जल ही में रहा समाय। कबीर से अभी भी कहें, जैसे कोई घड़ा लिया है और समुद्र में डुबाया है, यदि वह घड़ा समुद्र के अंदर ही फूट गया, तब जल कहाँ गया, मिल गया। इसी तरह से वह कहते हैं अद्वैत हुआ ना, इसी तरह से कहते हैं कि तुम जो है पूर्ण परमात्मा हो, और तुम जब भी शरीर छोड़ते हो तो उसमें जाकर मिल जाते हो, अलग से नहीं, इसलिए अलग नहीं कहा जा सकता है। जैसे उपनिषद इसे कहा गया है चंद्र घट न्याय,
जिसे 100 ठो घड़ा रखो और 100 घड़ा में अलग अलग बिछा दो और उसमें जो चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश दिखेगा तो 100 घड़ा में वह चंद्रमा दिखाई पड़ेगा ना, लेकिन वह चंद्रमा जो है घड़े के अनुरूप दिखाई पड़ेगा। इसे चंद्र घट न्याय भी कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं, इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमन सुरत रहे लवलाई। यहां कबीर साहब परमात्मा को प्राप्त करने की विधि की तरफ इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। कैसे प्राप्त करेगा भाई? कहते हैं कि इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमन सुरत रहे लवलाई। कृष्ण भगवान भी इशारा किए हैं, अपान ब्यान सम कृत्वा, अपान और ब्यान को सम करो अर्जुन। यह कहते हैं इंगला के घर पिंगला जाए, यह चंद्र स्वर के में सूर्य स्वर को मिलाना और सूर्य स्वर को जब चंद्र में मिलने लगेगा, एक दूसरे को जब चलने लगेगा तो एक दूसरे के घर में प्रवेश करने लगेगा तो उस समय सुसुपना चलने लगेगी। जब एक दूसरे के घर में जाएगा तो सुसुपना चलने लगेगा। सुसुपना जब चलेगा तो अब तुम्हारा वह सरस्वती त्रिवेणी संगम पर पहुंच जाएगा। जब तुम एक दूसरे के घर में जाने लगे तब तुम सरस्वती में यानी तीसरा नेत्र खुलने लगेगा। उसे अज्ञा चक्र भी कहा गया है, उसे त्रिवेणी संगम भी कहा गया है, उसे तीसरा नेत्र भी कहा गया है, वह खुलने लगेगा। यह एक विधि पर आ गए, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलने लगेगा। सुखमन सूरत रहे लवलाई, कहते हैं कि जब तुम्हारी दोनों सम हो जाएगा तब सुषुप्ना खुल जाएगा। लव और जब तुम्हारा सुषुप्ना में ध्यान लग जाएगा एक क्षण के लिए, तब तो लवलाई सुषुप्ना रहे लवलाई, तब तुम समाधि को प्राप्त कर जाएगा। भगवान शिव भी यही कहते हैं, पार्वती जब श्वास बाएं से दाएं जा रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा है, जहां मुड़ रहा है वहां अवधान उपस्थित कर दो। अलग अलग भाषा है। कृष्ण भगवान जिसको कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, कबीर साहब भी उसको सतही भाषा में कह रहे हैं। सुषमन रहे लवलाई, उस लव में, लव यानी ध्यान को लगा लो। बड़ी छोटी सी प्रोसेस बातचीत में कह दिया, लेकिन तुम्हारा ध्यान रहता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम 3 घंटा बैठना सीखो। 3 घंटा जब बैठेगा तो 3 बार श्वास बदलेगा ना, 1-1 घंटा पर बदलता है। जब श्वास बदलेगा 3 बार जो है, 3 बार वह चलता है, इंगला के घर पिंगला और पिंगला के घर इंगला जाते हैं। उसको कबीर साहब दूसरे भाषा में भी कहें, छिन छिन अमावस्या छिन छिन पूर्णवासी, बुझ बुझ पंडिता कौन अमावस्या कौन पूर्णवासी। ये इंगला पिंगला में जाता है, पिंगला इंगला में जाता है, यह अमावस्या पूर्णिमा लगाना। कहते हैं क्षण से तुम्हारे अंदर इंगलाप सुषमना हो, ऐसी पूर्णिमा अमावस्या रहा, क्या 1 दिन का पूर्णिमासा व्रत कर रहा है पंडित यानी ज्ञानी। यहां पंडित को ज्ञानी संबोधित कर रहे हो, तुम ज्ञानी हो, बूझो कौन अमावस्या कौन पूर्णिमा है। और उस अमावस्या और पूर्णिमा को यदि पकड़ लेता है तब तुम्हारा जो है ध्यान को मुक्त लग जाना है या समाधि को प्राप्त कर लेना है। कहते हैं जब तुम इन श्वासों के बीच में, एक श्वास से जब दूसरा श्वास चलता है तो कुछ गैप आता है ना, जैसे तुम गाड़ी करार चलाते हो रोड पर, 2 गाड़ियों के बीच में कुछ गैप रहता है ना, उसी तरह से तुम्हारे जहां श्वास लेते हो और दूसरा श्वास लेते हो दोनों के बीच में गैप। यदि उसके बीच में भी अवधान उपस्थित कर देते हो दोनों श्वास के बीच, जिसको हम लोग कुंभक भी कहते हैं, चाहे आंतर कुंभक हो या बाह्य कुंभक हो, उस समय भी यदि ध्यान को उपस्थित कर देता है तुम तो भी तुम ध्यान तत्क्षण तुम्हें बदल जाएगा, तत्क्षण समाधि को उपलब्ध हो जाएगा। यह बड़े छोटे छोटे टेक्निक बता रहे हैं जिसे उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन यह नहीं करेगा फिर लंबी लंबी प्रोसीज्योर लेकर चलेगा है ना, लंबी लंबी प्रोसीज्योर करेगा। कहते हैं ओहम सोहम तत्व विचारा, बंकनाल में किया सुहारा। अब देखो यहां कबीर साहब जो है इशारा कर रहे हैं, गुरु जो तत्ववेता होता है मंत्र देता है, उस मंत्र के तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर तुम किसी
बकवादी से कहेगा तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। कहते हैं तत्व विचारा, जो गुरु मंत्र देता है वह तत्व विचारने के लिए देता है, वह तत्व का दर्शन कराने के लिए। यह तत्व शब्द शंकराचार्य ने प्रयोग किया है, तत्वदर्शी। उपनिषद तत्वमसी कहा है, और ये कह रहे हैं कि तत्व विचारा, जब तुम यह जान लेते हो कि तत्व ज्ञान हो जाता है, कब? जब तुम्हारी सूरत बंक नाल में प्रवेश करती है तब। कहते हैं बंक नाल में किया संहारा, बंक नाल में। बंक नाल कहां है? जहां सुसुपना समाप्त होती है। बताओ निपुण आदमी कैसे समझ गया इतना देखकर? जहां सुसुपना समाप्त होती है वहां से बंक नाल शुरू होता है। कहते हैं बंक नाल में जैसे ही तू प्रवेश करता है, बंक नाल में प्रवेश करता है, तो तुम्हारी श्वास गति रुक जाती है, प्राण रुक जाता है, संसार का तुम्हारे शरीर का सब अवयव रुक जाता है। अतु तत्क्षण जो है उस समय शरीर का सारा गति रुक जाती है और समाधि में उपलब्ध हो जाता है। और तब तो कहते हैं कि बंक नाल में किया संहारा, और उस बंक नाल में सुष्पना के ऊपर जो है अपने प्राण को स्थिर रखो, संहारो, कुछ देर संभाल कर रखो। यार पाठ तो कर लेता है तुम लोग रोज इसका, लेकिन इसका मनन नहीं न किया, इसलिए इस पाठ में दिया गया है कि उसका मनन करेगा तो तू धीरे धीरे बंक नाल में संभाल कर रखेगा। बंक नाल में जब तुम्हारा श्वास जा रहा है थोड़ा देर संभाल कर रख लो। जैसे ही थोड़ा दिन संभाल कर रखेगा मन गिर जाएगा, मन वहां नहीं आएगा, मन उसके नीचे ही सारा खुरफात करता है, बंक नाल में पहुंचेगा नहीं। वह प्राण शक्ति तुम्हारी पहुंच सकती है, और बंक नाल में पहुंचते ही तुम्हारे गति, हृदय की गति रुक जाती है, प्राण का आवागमन रुक जाता है, तुम्हारा जो है विज्ञान कहने लगता है कि नहीं आदमी मर गया, लेकिन मरा नहीं है, बंक नाल में प्रवेश कर गया है, वह समाधि में प्रवेश कर गया है, वह उसकी सारी सांसारिक स्थितियां स्थिर हो गया है और वह सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं बंक नाल में जरा थोड़ा अपने को संभाल कर रखो। कहते हैं मन को मार्ग गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अब कहते हैं कि मन को मार्ग गगन चढ़ जाई, जब तुम बंक नाल में प्रवेश कर जाएगा तो मन तो मर गया ना, और का मन को छड़ी से मारेगा, लाठी से मारेगा? बंक नाल में प्रवेश करते कहते हैं कि मन को मार, तब मन रुक जाएगा, तब तुम मान सरोवर में बैठ कर। मान सरोवर में कौन बैठता है? कौआ? कौआ को हिमालय पर नहीं देखा होगा, यह तुम्हारे ही सिर सतह पर रहता है, वहां हंस रहता है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब कहते हैं मनवा तू तो हंस था कागा हुआ अपनी चाल। जैसे ही तू बंक नाल में प्रवेश करता है हंस की गति को प्राप्त कर लेता है, तब हंस जब गति को प्राप्त कर लेता है तो हंस ऊपर की तरफ उड़ता है और सीधे मानसरोवर में बैठता है। यहां भी जो मानसरोवर बैठाया गया, मानसरोवर ऊपर है, तुम्हारे भी शरीर में ऊपर है मानसरोवर, और सब पृथ्वी पर भी मानसरोवर ऊपर बनाया गया, हिमालय के ऊपर शीर्ष पर जहां कैलाश, यह इंगित किया गया है कि देखो यह कैलाश का मतलब आकाश, वहां न मानसरोवर है, इस पृथ्वी पर सागर है जिसका जल खारा है, और पृथ्वी से ऊपर कैलाश के ऊपर मानसरोवर है जहां शंकर का निवास है। यदि तुम भी मानसरोवर में स्नान करता है तो तुम भी, तुम्हारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है, तुम शिव स्वरूप हो जाते। इसलिए तुम्हारे अंदर कहते बंक नाल में कहते मन को मार्ग गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ न आई। बंक नाल में प्रवेश करते ही मन तो मरता है ना, तब तू मान सरोवर में, तुम्हारा मन जो है मानस बन जाएगा, वही सरोवर बन जाएगा। अब उस सरोवर में तुम बिल्कुल स्नान करेगा, समाधि में रहेगा, स्नान करने का मतलब समाधिस्त रह जाएगा। लेकिन यह इशारा कर रहे हैं किसको? तत्व ज्ञानी को।
हम लोग कनफुका गुरु के फिर में रहते हैं ना, कनफुका गुरु हद का बेहद का गुरु, और जब मिले गुरु बेहद का तब लगे ठिकाना ठौर। कनफुका गुरु के कान में कोई कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, कुछ दे दिया, कुछ सुनता है कुछ नहीं भी सुनता है, गुरु जी कान फुका गया हो गया। हम बहुत लोगों से पूछते हैं क्या है, तो कहा पता नहीं गुरु जी कुछ कान में कहे हैं, हमारे गुरु हैं हम गुरु ग्रहण कर लिए, क्या कहें पता नहीं कुछ कहें, तो पता लगाओ। कहा गुरु जी अभी क्या पता लगाएं, मरने के समय में लगाएंगे ना। कहा तुम्हारे मरने के समय तुम्हारे गुरु जी जिंदा रहेंगे, तुमसे बड़े होंगे तो बोलने चले जाएंगे। कहा अच्छा हाँ ये बात ठीक है, अच्छा ठीक है उस समय सोचा जाएगा, क्या सोचेगा। यह सबसे गोल्डन पीरियड है तुम लोगों का, इसलिए अभी सोच लो ना, अभी हम भी जिंदा है तुम भी जिंदा है। मरने के समय की फिर क्यों पढ़ा है, अभी सोच लो।